नमस्कार, मैं दिव्या धारावत। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने शोधकर्ताओं के समूह पर मुकदमा करने की धमकी दी है। इन शोधकर्ताओं के शोध में कहा गया है कि पिछले साल एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बाद इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे कंटेंट में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग सर्विस और ऑनलाइन विज्ञापनों सहित कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन किया गया। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स या पब्लिशर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्मों और ऑडियो विजुअल कार्यक्रम को भारत सरकार की दूसरी अनुसूची में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुणे के लवासा सिटी में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। यह प्रतिमा 190 से 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। पुणे में लवासा का इलाका पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है। आगामी 31 दिसंबर 2023 से पहले या उस दिन मोदी की प्रतिमा के अनावरण होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से AI की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यकीनन इस टेक्नोलॉजी का बेधड़क इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन AI का दूसरा पहलू भी सामने आया है जो डरावना है। असल में AI टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ लाइफ को आसान बनाया है, वहीं इसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। ये है AI डीप फेक तकनीकी, जिसकी मदद से लोगों को ठगा जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला उत्तरी चीन का है। AI डीप फेक तकनीक के जरिए ठगी का ये मामला अकेला नहीं है, इस तरह के मामले भारत में भी सामने आए हैं। एक ताजा मामला केरल का है। केरल में AI की मदद से चेहरा बनाकर 40,000 रुपए की ठगी का प्रयास किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार सुबह के 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंच गए। यहां वह सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों व अन्य लोगों से मिले, सब्जियों के दाम पर लोगों से बातचीत भी की। ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन लिया। ईडी ने लालू परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। अभी बीते महीने ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI की ओर से चार्जशीट दायर की गई थी। महाराष्ट्र के थाने में एक बड़ा हादसा सामने आया है। थाने के शाहपुर पास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉचिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मशीन का इस्तेमाल समृद्धि एक्सप्रेसवे हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में किया जा रहा था। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 704 हो गई है। इसके साथ ही MBBS सीटों की संख्या में 110% तक की वृद्धि हुई है, जो पहले 51,348 से बढ़कर अब 107,948 हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में PG मेडिकल सीटों की संख्या में भी 117% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 31,185 थी, अब तक 67,802 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के एक आतंकवादी विरोधी अधिकारी ने भारत द्वारा प्रस्तावित आतंकवाद के लड़ने के लिए वैश्विक समझौते पर सहमति बनाने में महासभा की विफलता की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय के निदेशक रफी ग्रेगोरियन ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के मसौदे पर अभी तक महासभा में आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में आतंकवाद की परिभाषा सटीक रूप से कैसे लागू होगी। भारत से अन्य देश से जाने वाले लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों को पहले से कम कठिनाई उठाना पड़े। दरअसल पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आधार कार्ड का डिजी लॉकर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया निर्देश 5 अगस्त से लागू किया जाएगा। इससे पहले लोग फर्जी आधार कार्ड के जरिए पासपोर्ट बनाते थे, जिससे उन्हें अधिक कठिनाई उठानी पड़ती थी। ऐसे में अब इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय ने यह बदलाव किया है। पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत GST के खुद वापसी की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के जरिए जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यातकों को अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार टैक्स अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने की चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा। सरकार इसे स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना मान रहा है, जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय लगातार इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। अब तक 50 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में आ चुकी है। इनमें किसी वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट 200% तक जा रहा है तो किसी में 50% से भी कम है। अगर औसत ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो हर माह अलग अलग ऑक्यूपेंसी रेट रहता है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार किलर वंदे भारत में तिरुवनंतपुरम से कोसरगोड के बीच चल रही है। इसका ऑक्यूपेंसी रेट पिछले दिनों 189% के करीब रहा है, जो देश में चल रही सभी वंदे भारत से टॉप पर है। मौजूदा समय 50 वंदे भारत सर्विस में है। इनमें से वर्ष 2023 में 36 वंदे भारत की सर्विस शुरू की गई है, जो कि पहले से ही मौजूदा 14 वंदे भारत सर्विस के अतिरिक्त है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में बताया गया है कि टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन कंपाउंड पाया जाता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यह ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर में कैंसर फैलाने वाले फैक्टर को एक्टिव कर देता है। कई टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन काफी ज्यादा पाया जाता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि टूथपेस्ट में पाया जाने वाला ट्राइक्लोसन आंतों के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आंतों का कैंसर फैल सकता है। इसलिए टूथपेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ को 12 साल बाद नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से जूझ रहे बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब चुनाव होने वाले। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में प्रमुख गवाहों में से एक पहलवान अनिता सिंह अध्यक्ष के रूप में भाजपा सांसद की जगह लेने की दौड़ में है। बृजभूषण शरण सिंह भले ही इन चुनावों में भाग नहीं ले रहे हों, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका कोई करीबी इस सीट पर कब्जा करे। इसके लिए उन्होंने अपने करीबी संजय सिंह और जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। दवाओं को बेहतर ढंग से ट्रैक और ट्रेस करने के लिए देश की टॉप 300 फार्मा ब्रांड्स पर QR कोड या बारकोड लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया गया है। अब 1 अगस्त या इसके बाद बनने वाली दवाइयों के लिए यह अनिवार्य होगा। जिन दवाओं पर QR कोड अनिवार्य किया गया है उनमें कैलपोल, डोलो, सेरीडॉन, कॉम्बीफ्लेम और एंटीबायोटिक सेजरीथल, ऑंगमेंटिन, सेफ्टम से लेकर एंटी एलर्जी दवा एलेग्रा और थायरॉयड दवा थायरोनॉर्मिस शामिल। ज्ञानवापी के ASI सर्वे को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं वो कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बिना किसी वजह टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दरभंगा में एयरपोर्ट की सुविधा शुरू हुए 3 साल का भी समय पूरा नहीं हुआ और यह कामयाबी के नए आसमान पर पहुंच गई है। अपने 33 महीने के सफर में दरभंगा एयरपोर्ट ने मुनाफा कमाने के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट पटना और भुवनेश्वर जैसे बड़े एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। यह बात खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। आई फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या पर डॉक्टरों ने यह सलाह दी है। बरसात में बाढ़ से प्रभावित जगहों में कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के बाद उमस गर्मी से कई इलाकों में आई फ्लू संबंधी परेशानी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में के OPD में लगभग 5-20% तक आई फ्लू के मरीज पहुँच रहे हैं। पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऊपर हुई कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया देने के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। कोर्ट और सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से अच्छा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि CBI और ED का देश में कोई औचित्य नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन तरह तरह की खबरें वायरल हो रही है, जिन खबरों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर फेक है। ऐसी एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं केंद्र की मोदी सरकार खत्म करेंगी, लेकिन इस खबर की सत्यता जब PIB फैक्ट चेक से जांची गई और परखी गई तो पाया गया कि यह खबर फेक है। ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस तरह की खबरों को जब तक जाँच ना और परख ना ले तब तक किसी को ये खबर ना भेजे। अंतरिक्ष में कभी कभी बेहद अद्भुत घटनाएं घटती हैं। इनमें कई घटनाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अगस्त के महीने में कई खगोलीय घटनाएं घटने वाली हैं। यह घटनाएं दुर्लभ मानी जाती हैं। इस महीने आसमान में 2 सुपर मून नजर आएंगे। 1 अगस्त को पहला सुपर मून दिखाई देगा, 30 अगस्त की रात दूसरा नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 24 जुलाई 2023 को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया, जिसका मतलब है कि संजय सिंह इस मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। उनके निलंबन के विरोध में जमकर हंगामा भी हुआ। पिछले सोमवार यानी 24 जुलाई की रात विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। बिहार में सरकारी स्कूलों से गायब रहने तथा विलंब से आने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। शिक्षकों की हाजिरी अभी शिक्षा कोर्स ऐप पर ऑनलाइन बनेगी। आज से सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए ई शिक्षा कोर्स ऐप लॉन्च किया गया है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से मुख्य आरोपियों में से एक सचिन बिश्नोई को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पता चला है कि सचिन को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अजरबैजान के बाकू से भारत प्रत्यर्पित किया है। इसकी जानकारी सामने आते ही धमाका हो गया और इसको एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हत्या के बाद से ही सचिन विदेश में छिपा था और इस वक्त वो भारत आ चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर यानी रेवेन्यू में 1.65 ट्रिलियन रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि एक साल पहले के समान अवधि से 11% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यह पांचवी बार है जब जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 ट्रिलियन से ऊपर रहा। इस वित्तीय वर्ष में मासिक औसत कलेक्शन के लिए सरकार का अनुमान 1.65 ट्रिलियन रुपए है। दूसरी तिमाही के पहले महीने में जीएसटी रेवेन्यू अप्रैल में 1.87 ट्रिलियन के रिकॉर्ड के कलेक्शन के बाद इस साल का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन है। यूपी में बच्चों की तस्करी की भयावह सच्चाई सामने आई है। देश में सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी यूपी में हो रही है। यूपी के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश में बच्चों की तस्करी हो रही है। दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। एक गैर सरकारी संगठन के नए अध्ययन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह रिपोर्ट वर्ष 2016 से 2022 के बीच बच्चों की तस्करी को लेकर जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 से पहले के मुकाबले महामारी के बाद के चरण में बाल तस्करी के मामले में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 पिछले कई दिनों से पत्रों में फंसी हुई थी। अब इसके रिलीज को हरी झंडी मिल गई है और ये अभी 11 अगस्त को ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई को सही ठहराया। 1994 में जी कृष्णैया हत्या मामले के दोषी आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा है कि जेल से उसकी रिहाई का फैसला वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है। उसने जेल में हमेशा अच्छा व्यवहार रखा। जेल में रहते हुए 3 किताबें भी लिखी, साथ ही उर्दू में उच्च शिक्षा भी हासिल की है, इसलिए उनकी रिहाई का फैसला बिल्कुल सही था। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया। जिस भी व्यक्ति ने ये काम अभी तक नहीं किया उन्हें अब लिंक करवाने के लिए जुर्माना देना होगा। अब केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा पर विचार कर रही है। संसद में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी की इसी तरह की सेवाएं मुफ्त प्रदान करने की याचिका के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अनुरोध संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए शुल्क भुगतान से कोई छूट नहीं होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धनंजय कुमार, उमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, मृत्युंजय कुमार, अर्जुन राम, नौसाद अंसारी, अनवर करीम खाना। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या रेलवे पहले के मुकाबले अपने कार्य सेवा में सुधार कर रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।